कर्नाटक के चित्रदुर्ग में अचानक क्रैश हुए तपस ड्रोन ने पूरे देश की धड़कनों को बढ़ा दिया, लेकिन इस क्रैश का असर सबसे ज्यादा डीआरडीओ पर दिखा, क्योंकि भारत में बना ये ड्रोन अभी तक सेना को नहीं मिला। आगे होने वाली कई टेस्टिंग के बाद ही इसे सेना में शामिल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इसका क्रैश होना डीआरडीओ की चिंता को तो बढ़ाएगा ही। अब इसे लेकर डीआरडीओ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्वीट करते हुए डीआरडीओ ने लिखा, तपस सुबह ATR चेलकेरे कर्नाटक से प्रौद्योगिक उड़ान परीक्षण चला रहा था। उड़ान के दौरान एक तकनीकी खराबी का इसे सामना करना पड़ा और UAV पास के खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तकनीकी कारण की जांच की जा रही है और कोई आकस्मिक क्षति नहीं हुई है। तपस ऐसे वक्त पर क्रैश हुआ था जब जल्द ही इसके प्रोटोटाइप को यूजर टेस्टिंग के लिए पेश होना था। जानकारी के मुताबिक तपस को सेना में शामिल करने से पहले इसके परीक्षण का सिलसिला शुरू होना था और इसके लिए DRDO ने तपस ड्रोन के 5 प्रोटोटाइप तैयार किए थे, जिनमें से एक प्रोटोटाइप कर्नाटक के चित्रदुर्ग में अचानक क्रैश हुआ। तपस के प्रोटोटाइप नंबर 07A14 के क्रैश होते ही देश भर में हड़कंप मचा। DRDO द्वारा बनाया गया तपस ड्रोन अब तक ट्रायल के दौरान 2 बार क्रैश हो चुका है। इससे पहले सितंबर 2019 में तपस ड्रोन क्रैश हुआ था। बता दें, तपस ड्रोन को सीमाओं पर निगरानी रखने, दुश्मनों पर हमला करने के लिए विकसित किया जा रहा है। बात अगर इसकी खासियत की करें तो ये ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। निगरानी के साथ ही ये हमला करने में सक्षम है। 350 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। तपस ड्रोन मिसाइल से टारगेट को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है। साथ ही 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भी भर सकता है। तपस ड्रोन एक बार में 1000 किलोमीटर की उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे इंफ्रारेड कैमरे की मदद से रात में भी निगरानी करने में सक्षम है। तपस ड्रोन में थर्मल कैमरा भी लगाया गया। इसे टारगेट की सटीक पहचान में सक्षम बनाने के लिए लेजर तकनीक से लैस किया गया है। ये अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन जैसा ही है। दिन रात में निगरानी के साथ टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता इस ड्रोन के अंदर है। इसे अभी भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सेना तक पहुंचने के लिए इसे परीक्षण के दौर से गुजरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।